कौन आदमी? ये लोग सुबह सुबह ये नाश्ता है इन लोगों का, लहसुन और टमाटर। इसको देखो दारू पी के बैठा है इधर। और ये हमारी मुंह देखा तक दारू पी सकता है। ये रिकॉर्ड हो रहा है। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आप सभी का कंचन रिन्नी ब्लॉग में। हम लोग का अभी कुछ दिन से ब्लॉग नहीं आ पा रहा था, उसके लिए सॉरी फ्रेंड्स। और आज हम लोग अभी ठीक है, हम लोग का थोड़ा तबीयत भी खराब था इसलिए नहीं। नौमी के टाइम में हम सभी का, मेरा, बाबू का, कंचन का, सबका तबीयत खराब हो गया था इसीलिए नहीं। तो नौमी के टाइम में हम लोग बहुत सारे ब्लॉग डाल सकते थे, पर कोई नहीं। आज तो न्यू ब्लॉग, आज अच्छा। आज एक गुड न्यूज है, बैड न्यूज खत्म हुआ, गुड न्यूज स्टार्ट करते हैं। आप बोलोगे, आप बोल दो। अच्छा ठीक है, मत बोलो। सो आज एक गुड न्यूज ये है कि हम जा रहे हैं, बता दो। मैं नहीं बताऊंगा। वे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। तो हम जाने वाले हैं वैष्णो देवी माता के दर्शन करने। तो ये अभी बहुत परेशान कर रहे हैं, बाहर चलते हैं। तो आज हम जा रहे हैं अभी बेंगलोर मेजेस्टिक मार्केट करने। तो वहाँ पे बहुत सारे चीपेस्ट प्राइस में ही आइटम वगैरह सब मिलते हैं। तो सो फ्रेंड, जैसे कि इन्होंने बताया कि हम सभी वैष्णो देवी माता के दरबार जाने वाले हैं और ये हमारी लाइफ का सबसे लॉन्ग जर्नी और ट्रिप रहने वाला है। फर्स्ट टाइम हम लोग जा रहे हैं वहाँ, और क्योंकि ये ट्रिप में बेंगलोर से दिल्ली, दिल्ली से कटरा, फिर कटरा से जम्मू और जम्मू से बनारस, वहाँ से हम लोग का ट्रेन है कोलकाता के लिए। क्योंकि सभी को मालूम है अब दीपावली और छठ पूजा आ रहा है तो हम लोग जाएंगे ही। तो ये हमारी लाइफ का फर्स्ट और सबसे लॉन्ग जर्नी रहने वाला है, वो भी फैमिली के साथ। और हमारी फैमिली वहाँ से डायरेक्ट कोलकाता से जाएगी कटरा, वहाँ हम सभी एक साथ माता देवी का दरबार में जाएंगे दर्शन करने के लिए। सो अभी हम ये जाएंगे, सभी जो भी सामान है जो हम लोग को यूज़ लगेगा वहाँ जाने में, जो जो लगेगा वो सभी लेने जाएंगे मार्केट। तो अभी हम निकलते हैं मार्केट के लिए। बाय। चलो अब हम रिन्नी को बाय बोलते हैं। ये लोग नहीं, ये लोग सुबह सुबह ये नाश्ता है इन लोगों का, लहसुन और टमाटर। इसको देखो दारू पी के बैठा इधर। और ये हमारी मुंह देखा तक दारू पी सकता है। ये रिकॉर्ड हो रहा है। ये हमारी रिन्नी की 55 ईयर की बुआ। तो अभी जैकेट वगैरह सभी डाल लिए हैं क्योंकि अभी ठंडा है बहुत मौसम, और बेंगलोर का मौसम है ही ऐसा। तो अभी स्टेशन पहुंचने वाले हैं, मतलब पहुंच ही गए हैं, अभी जाकर वहां से टिकट लेंगे। मौसम अभी फिलहाल काफ़ी ठंडा है, लेकिन कोल्ड पकड़ लिया, सुबह सुबह दही खा लिया तो कोल्ड तो पकड़ेगा ही। स्टेशन काफी खाली खाली है लेकिन पूरा। कृष्णा राजपुरम पार हो गया है। मैजेस्टिक बोल रहे हैं। तो मार्केट यहाँ से स्टार्ट होता है, वो 20-20 रुपया में है।
लेडीज पर्स పట్టుండే కదా అసలు. दिवाली के लिए लाइटिंग बहुत अच्छा है. फिलहाल अभी न्यू कवर लिया, टेम्पर भी लगा है. अभी फिलहाल बाबू के लिए तो सारा कपड़ा ले चुके हैं, अपना भी बैक कवर लगा दिए, टेम्पर भी लग गया है. देखते हैं अब और कुछ पसंद आता है तो लेंगे. तो हमारा शॉपिंग कंप्लीट हो गया, फिर वापस अब जा रहे हैं घर. ट्रेन से अभी उतर गए. अब ट्रेन को बाय बाय बोलते हैं. अब वापस हमको अभी इधर से जाना पड़ेगा. मैं बेत शर्मा गई. मिस कर रही थी पापा को. क्या हो गया? आजा मत बात करना. आजा मत बात करना. अभी बेटो का टेस्ट ड्राइव चल रहा है अभी कपड़ों का. बड़ा चाचू तो भाई एकदम टेक्निक अपना. ये कपड़ा अपने बाहर दिखाने के लिए गई. डांस कर रही है. ये जाओ बुआ को दिखा. जाओ जा बुआ को दिखा. सो फ्रेंड्स, ट्रिप पे जाने के लिए क्या क्या सामान लगेगा वो सभी सामान ये लेके आए हैं. कुछ ऑनलाइन मंगाया है मैंने और कुछ मार्केट से जाके लेके आए हैं, वो सभी मैं आपको दिखाती हूँ. तो सबसे पहले मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्रैवलिंग के लिए होता है मजबूत ट्रॉली. एक मिनट मैं दिखाती हूँ. ये मैंने फ्लिपकार्ट से खरीदा है. सो अब मैं इसको साइड करती हूँ और दूसरा चीज दिखाती हूँ और मैंने क्या क्या खरीदा है. ये मैंने कुर्ती लिया है फ्लिपकार्ट से वहाँ पहनने के लिए. और ये है
मेरी बेटी के लिए स्वेटर जैकेट जो आपके ठंड होगा तो पहन लेंगे। पहनेगी तो देखना, ऐसे अभी दिखा देती हूँ जल्दी क्योंकि वो सोई हुई है ना, तो जल्दी उठेगी तो पहन लेंगे। और सबसे ज़्यादा फ्रेंड्स वहाँ काम आने वाला है जो इम्पोर्टेंट है वो है पावर बैंक जो हमने ले लिया है। सो फ्रेंड्स ये इन्फॉर्मेशन वीडियो था कि मैं वैष्णो देवी जा रही हूँ पूरे फैमिली के साथ, और मैं अभी जहाँ जहाँ जाऊँगी वो सभी का ब्लॉग में डालूँगी, तो प्लीज़ आप मेरे ब्लॉग में बने रहिएगा। अगर आपको कुछ कमी लगे कि हाँ ये लेके जाओ तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए, और मैं तो अभी से बहुत ज़्यादा खुश हूँ, मन करे अभी चली जाओ क्योंकि उसके बारे में सुन सुन के ही आदमी सोचता है कि वाह कितना सुंदर जगह होगा। तो अभी हम लोग जाने वाले हैं 13 अक्टूबर को। सो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि मेरे न्यू न्यू ब्लॉग जो भी आपके पास उसका नोटिफिकेशन पहुंच सके। सो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, जय माता दी। मैं परदेसी हूँ।